हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज रसोई विद कान्हा जी में मैं बनाने वाली हूँ चार अलग अलग सैंडविचेस, वो भी एक रोटी के साथ। तो चलिए जी, पहले नोट कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जी राउंड कट करके अनियंस, राउंडी कट करके टोमेटोज, ये कुकुम्बर, और ये है जी आलू, इसे मैंने उबाल के कट कर लिया था। और ये है जी पत्ता गोभी, टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़े से कॉर्न, जिसको मैंने बहुत ही ज़्यादा फाइनली चॉप कर लिया था। ये यहाँ पे मेरे पास रोटी, ठंडी रोटी। अगर आपके पास ठंडी रोटी नहीं है तो आप नहीं भी बना के डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। ये है जी कॉर्नफ्लेक्स का पाउडर, ये है जी ब्रेड क्रम्स, ये है बेसन, ये है ग्रीन चटनी। इसका कलर मैं आपको बताती हूँ, जिसकी मैंने इसमें इमली ऐड की थी, लेमन मेरे पास अवेलेबल नहीं था प्रेजेंट में। ये है जी घी, आप बटर भी ले सकते हैं। ये है जी मसाला। इस पूरे इंग्रेडिएंट की पूरी रेसिपी की जान यही है, और ये मैंने घर पे बनाया है। मैंने क्या करा, इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ी सी पेरी पेरी, थोड़ा सा आमचूर, थोड़ा सा चाट मसाला और जस्ट थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड कर लिया था। ये है जी चिली फ्लेक्स, ये है हमारा मेयोनीज जिसमें मैंने थोड़े से ऑरिगेनो ऐड कर लिए थे, और ये है जी सॉस, इसे भी मैंने घर पे बना लिया था। इस पर मैंने क्या करा, पहले टोमेटो केचप लिया, फिर गार्लिक का पाउडर लिया और थोड़ा सा पेरी पेरी ऐड कर लिया था। ये जी चीज़ और मैदा। यहाँ पे जी पहले हम बेसन और मैदा की स्लरी बनाएंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं, वन एंड हाफ पिंच। इसमें पानी ऐड करके पतला सा स्लरी बना लेंगे, और बेसन की हमें ज़्यादा पतली नहीं बनानी है, थोड़ी सी गाढ़ी रखनी है। तो जी यहाँ पे मैंने दोनों ही स्लरीज को तैयार कर लिया है, अब इसे साइड में प्लेस कर दूँगी। तो जी अब हम बना लेंगे हमारे सैंडविच के लेयर्स। तो यहाँ पे पहले मैंने एक रोटी ले ली है, इस पर मैं इस चटनी को ऐड कर लूँगी। बिल्कुल एज इट इज़, जैसे मैं स्टेप्स ऐड करते जा रही हूँ वैसे ही आप कीजिएगा। अब इस पर क्या करूँगी मैं, इन आलू के स्लाइसेस को अच्छे से हर जगह प्लेस कर लूँगी। तो अब जी इसमें मैं केचप ऐड कर लूँगी। अब इस पर ऐड कर लेंगे हमारी दूसरी लेयर, इस पर भी मैं पहले ऐड कर लूँगी हमारी इस चटनी को। और अब जी इस पर ऐड कर लूँगी हमारे क्यूकम्बर्स के पीसेस, जिसे मैंने बिल्कुल ही थिनली चॉप कर लिया था। अब वापस से इस पे थोड़ा सा मैं टोमेटो केचप ऐड कर लूँगी। और अब इस पे ऐड कर लेंगे हमारी थर्ड लेयर। अब इस लेयर पे मैं क्या करूँगी, ऐड कर लूँगी हमारा ये केचप वाला जो मैंने चटनी टाइप बनाई थी इसको। अब इस पे क्या करूँगी, मैं ऐड कर लूँगी इन अनियंस को। इसके ऊपर अब मैं ऐड करूँगी हमारी इस ग्रीन चटनी को। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी हमारी फोर्थ लेयर, इस पे ऐड करूँगी यही मिक्सचर टोमेटो केचप वाला। अब इस पे क्या करूँगी, मैं ऐड कर लूँगी हमारे इन टोमेटो के पीसेस को। अब इस पे ऐड करूँगी मैं हमारी फिफ्थ लेयर। अब इस पे मैं ऐड कर लूँगी हमारे दोनों ही चटनीज को। और अब इस पे क्या करूँगी, मैं इस मिक्सचर को ऐड कर लूँगी। अच्छे से इस सारे मिक्सचर को मैं फैला लूँगी। और मैं ना सिर्फ टॉप लेयर के ऊपर ही
हमारे इस चिली फ्लेक्स को और मैंने ये जो मसाला बनाया था इसे ऐड कर दूंगी। बाकी का जब ये पूरी रेसिपी बन जाएगी तब आप ये जो मैंने होममेड मसाला बनाया था इसे ऐड कीजिएगा। अगर आप चाहे तो आप हर लेयर पे भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसे नहीं किया, सिर्फ इसी पे ऐड करूंगी मैं। फिर लास्ट में जब हमारी रेसिपी बन जाएगी तब मैं सारे जो हमारी रेसिपी बनेगी उस पर मैं ऐड करूँगी। और अब क्या करूँगी, इस पर मैं थोड़ा सा मेयोनीज लगा दूँगी। तो अब मैंने ये मेयोनीज डाल दिया था, अब इस पर ऐड करेंगे हम बहुत सारा चीज़। आप हर लेयर पे भी डाल सकते थे बट मैंने सिर्फ फर्स्ट लेयर पे ही डाला है। बहुत सारा चीज़, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चीज़। अब इसे क्या करेंगे हम, इसे पहले इवनली स्प्रेड कर दूंगी। अब क्या करूंगी मैं, इस पे जो हमारी लास्ट लेयर बनी है रोटी की इसको मैं ऐड करूंगी। और इसे क्या करेंगे, ये स्टेप अभी बहुत ही ज़्यादा रिस्की होने वाला है, आपको इसे एग्जैक्ट 4 हाफ्स में कट करना है जी। बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी था, लाइक ठीक है आप सावधानी से लेके करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो अब ये स्टेप पे मैं क्या करूँगी, ये चार है राइट, चारों ही अलग अलग फ्लेवर्स के होने वाले। तो पहले क्या करेंगे, हमारे इस बेसन को यहाँ पर रख देंगे और इस मैदा के स्लरी को और ये दोनों, ओके। अब क्या करूँगी मैं, पहले इस वाले लेयर पे मैं ऐड कर दूँगी अच्छे से इस बेसन को। आप चाहे तो डुबा भी सकते हैं बट लाइक यू नो अभी भी वो बहुत रिस्की था इसको कट करने में, अगर इसको हम उठा के डुबाएंगे तो कहीं मतलब वापस टूट वूट ना जाए। तो ये अच्छे से मैं बेसन का स्लरी इस पे लगा दूंगी। तो ये जी बिल्कुल ऐसे ही ख़राब होने वाला है, डजेंट मैटर। तो ये बेसन का स्लरी का भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मैं स्लाइड में प्लेस कर दूंगी। तो जी मैंने आपका क्या किया, ये मैदा की जो स्लरी है इसको ना मैंने एक बड़े से बाउल में निकाल दिया है, जिसकी ये बेसन वाली भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो गई थी। तो अभी ना इसे आराम से डिप करना ही पड़ेगा, बिल्कुल ही आराम से इसे डिप कीजिएगा आप, बिल्कुल हल्के हाथों से। अभी क्या करेंगे ना हम इसको लेके जो कॉर्नफ्लेक्स का मिक्सचर इसके ऊपर इस रोटी को प्लेस कर दूंगी मैं। आपको दोनों हैंड्स यूज करने ही पड़ेंगे। देखिए जी ये बन चुका है। अभी हम क्या करेंगे ना, अब हम क्या करेंगे, हमारा ये जो थर्ड पीस है इसे भी वापस से हम इसे अच्छे से मैदा की स्लरी में डाल देंगे, इसे फ्लिप कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल आराम से इस हमारे ब्रेड क्रम्स पे ऐड कर देंगे। अब इसे कर लूँगी मैं फ्लिप और दोनों हैंड्स यूज़ करके इसे अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। राइट, ये बन गया हमारा तीसरा वाला। और ये जो फोर्थ वन है इसको हमें ऐसे ही रखना है, ये भी एक टाइप का ही बन जाएगा। ओके जी, इन तीनों को मैं करूँगी डीप फ्राई और इसको शैलो फ्राई। तो जी पहले इस ऑयल में ऐड कर लूँगी ये बेसन वाला, जिसकी ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा हो रहा है, इसे अच्छे से डीप फ्राई होने देंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो जी अब क्या करेंगे, हमारा जो विदाउट मतलब सिंपल वाला था ना सैंडविच, उसे क्या करेंगे हम शैलो फ्राई करेंगे। तो पहले इस पर अच्छे से मैं घी अप्लाई कर लूँगी। अब क्या करूँगी, इस पे ऐड कर दूँगी हमारे इस सैंडविच को और इसके ऊपर साइड पर भी मैं ऐड कर दूँगी ये घी और इसके साइड्स में भी। तो जी अब इसे चेक कर लेंगे, इसे अब फ्लिप कर दूँगी मैं आराम से बिल्कुल, और इसे दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तब तक इस पे क्या करेंगे हम, अच्छे से इसको प्रेस करेंगे और इस मसाले को आप क्या करते रहिए ना, ऐसे अच्छे से इसको ना चिपकाते रहिएगा
बिल्कुल भी आसानी से स्टिक हो जाएगा। अब इसे मैं क्या करूँगी, फ्लिप कर लूँगी। तो देखिए जी, ये कितना प्यारा कलर आया इस पर। अब क्या करेंगे, हमारा ये बन चुका है, इसे हम बाहर निकाल देंगे। अब इसमें क्या करूँगी, मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगी, इसको भी और ये ब्रेड क्रम्स वाला भी, और इन दोनों को भी हम अच्छे से डीप फ्राई होने देंगे। तो जब इसे भी मैं अच्छे से फ्लिप कर लूँगी, ये बन चुका है। तो जी, अब इसे मैं निकाल लूँगी, अब इन्हें चेक कर लेंगे और इन्हें मैं फ्लिप कर लूँगी। ये दोनों बन चुके हैं, फ्लेम को कर लूँगी ऑफ और इन्हें निकाल दूँगी। तो लीजिए जी, हमारे चारों डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंडविचेस रोटी के साथ तैयार हो चुके हैं। अब इसकी कर लूँगी प्राइसी प्लेटिंग। तो लीजिए जी, मेरी प्लेटिंग बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। अब मैंने इस पर क्या करा था, थोड़ा सा केचप, थोड़ी सी चीज़ और वो जो मसाला मैंने घर पर बनाया था उसको ऐड कर लिया था। अब इसमें कौन सा आपको तोड़ के दिखाओ। फाइन, मैं सारे तोड़ के दिखा दूँगी। तो पहले ये वाला तोड़ते हैं। अभी इसकी बारी। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। देखिए, अब इसको तोड़ देंगे। देखिए, अब फाइनली इसको देखिए, राइट। तो सॉरी, आज मैं इसे टेस्ट नहीं कर पाऊंगी, जस्ट कि मेरा व्रत है आज। तो सीरियसली, देखकर स्मेल करके तो लग रहा है कि रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और परफेक्ट बनी है। आई एम श्योर मेरे डैड इसे बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं और मेरे भाई भी। तो जी, इस रेसिपी को आप ज़रूर कीजिएगा घरों पे ट्राई, बिकॉज लाइक कितना अच्छा है, राइट। 4 अलग अलग सैंडविचेस हमें मिल गए, वो भी एक रोटी के साथ, हेल्दी भी हो गया, राइट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा वाला रोटी सैंडविच अच्छा लगा। एंड गाइस, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के, उनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और रेसिपी के भी सारे इंग्रेडिएंट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड गाइस, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।